सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हुनर बाज़। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस के बारे में। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा गूगल माय बिजनेस क्या चीज़ है। गूगल माय बिजनेस के थ्रू जब भी आप कोई चीज़, प्रोडक्ट या कुछ भी खरीदते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हो, गूगल सबसे पहले अपने रिव्यूज दिखाता है गूगल के ऊपर, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ कैसे हैं लोगों के, जिन्होंने भी उसकी सर्विस को यूज़ किया है उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, सर्च से पहले वही रिव्यूज़ आते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी कंपनी के बारे में ढूंढते हैं, तो आप पहले, सबसे पहले उनके रिव्यूज़ चेक करते हैं। रिव्यूज़ कैसे चेक करते हैं, आप गूगल के ऊपर जाते हैं और आपका कंपनी का नाम टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक तो राइट साइड में बॉक्स टाइप में, और गूगल मैप के थ्रू उसके अंदर में रिव्यूज़ होते हैं। वो रिव्यूज़ आपको हेल्प करते हैं कि कंपनी कितनी जेन्युइन है और कितनी ऑथेंटिसिटी है इस कंपनी के अंदर। ये सब चीज़ें आप गूगल रिव्यूज़ के थ्रू पता कर सकते हैं। इसी बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गूगल माय बिजनेस के ऊपर आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके थ्रू। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है छोटे बिजनेस के लिए, छोटे स्टार्टअप्स के लिए। गूगल के ऊपर आने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। विदाउट एनी लाइक SEO करे बिना आप गूगल के ऊपर आ सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, जैसे जैसे कि आपके नियर बाय में काफ़ी सारे सेलर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो वो जो उसकी जो ऑर्डर होगा शो करने का गूगल के ऊपर, वो होगा उसके रिव्यूज़ पे, उसके रेटिंग्स पे। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों के फीडबैक अच्छे हैं और ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो आपकी रेटिंग जो है वो सबसे पहले दिखाएगा। सर्च लाइक किसी ने सर्च किया कि बेस्ट शूज़ मार्केट इन जयपुर, तो बेस्ट शूज़ सेलर इन जयपुर, तो जयपुर के अंदर जितने भी सेलर्स हैं वो सारे शो करेगा, और जिसकी सबसे बेटर रेटिंग है और जिसकी सबसे बेटर फीडबैक है लोगों का गूगल के ऊपर, वही सबसे पहले ऊपर आपको शो करेगा। और धीरे धीरे जिन जिन के कम रिव्यूज़ है वो नीचे आते, आपको शो होते जाएंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, जितने भी आपके कस्टमर्स आते हैं और उनको आप बोलिए कि गूगल पर आप रिव्यू दीजिए, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे ये को। सो इसके थ्रू आप इजीली अपने गूगल माय बिजनेस की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप किस तरह से अपना बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पर रिस्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे अपने पिन को गेट कर सकते हैं, वो वेरीफाई करना होता है गूगल की वेबसाइट्स पर जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप अपना बिजनेस माय गूगल बिजनेस पर रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल टाइप किया, यहाँ पे गूगल ओपन किया। गूगल माय बिजनेस होता क्या एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल माय बिजनेस, जैसे कि आपको सर्च करना है जयपुर के अंदर बेस्ट माय बिजनेस टेक्नोलॉजीज, जैसे आगे ABC टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस नहीं किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे आप जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे टाइप करिए, ठीक है। अब उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करिए। आई डिलीवर गुड्स, आप गुड्स डिलीवर करते हैं किसी के घर पे, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पिन डाल दिया जयपुर का, नेक्स्ट किया। ये कहाँ पे है आपको इसको पॉइंट करना है, ये जहाँ पे भी एग्जैक्टली लोकेशन गूगल को नहीं पता है कहाँ पे, तो आपको वहाँ ले जाके इसको एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट कर देना है जहाँ पे भी आपका है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विसेज हैं, देते हैं, क्या करते हैं आप, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सर्च करके कुछ भी, जो भी आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। आपके फ़ोन नंबर, वेबसाइट हो गई, आपकी वेबसाइट नहीं तो नेक्स्ट, डोंट नीड वेबसाइट, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और फ्री वेबसाइट अगर चाहिए गूगल की तरफ से तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हैं, वेरीफाई दिस बिजनेस फिनिश, देन अलाउ टू कस्टमर फाइंड गूगल सर्च मैप, प्रमोट योर बिजनेस फोटो, तो यहाँ पे अपन फिनिश कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस ये वेरिफिकेशन करेगा अब आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, नॉन ऑफ दीज वर्क फॉर मी। देखिए आप यहाँ पे पोस्ट कार्ड मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस के ऊपर, कॉन्टैक्ट नेम क्या होगा, 12 डेज इसको लग सकते हैं पोस्ट कार्ड को आने में। वहाँ पे आपको एक पिन मिलेगा, उस पिन को वापस आपको अपने अकाउंट के अंदर डालना है, फिर ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपकी लिस्टिंग गूगल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर सेल हुई है तो
जो किया, ये देखिए अब इसको मैंने वेरीफाई रिक्वायर्ड आ रहा है, तो वेरिफिकेशन करना होगा उसके लिए अपन इसको डिस्कार्ड रिमूव लोकेशन कर देते हैं। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ऐसी कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से ऐड करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और इस पर वीडियो बना के और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा आपको फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई भी स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके लोकल शॉपकीपर्स हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, यही हमारे चैनल का मोटो है। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।